बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों जैसे कि आप देख रहे थे कि हम एक नए अध्याय के साथ आपके साथ थे और पिछली कुछ कक्षाओं में हमने लगातार समकुल यौगिकों के संदर्भ में कई अलग अलग टॉपिक के बारे में जानकारी ली। बच्चों आज मैं आपको समकुल यौगिक से संबंधित जो टॉपिक है वर्नर का सिद्धांत आज आपको ये बताने वाला हूँ। तो वर्नर के सिद्धांत के बारे में बच्चों कुछ बिंदुवत बातें आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। वर्नर के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है ना, ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु जिनको आप अभिग्रहित के नाम से जानते हो। ठीक है, क्या भी बोलते हो, अभिग्रहित। तो बच्चों वो जो अभिग्रहित हैं, जो बिंदु हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। बच्चों सबसे पहली चीज, वर्नर का सिद्धांत कहता है या वर्नर के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक संकुल यौगिक, प्रत्येक संकुल यौगिक में दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। बच्चों बहुत अच्छे से समझिए, प्रत्येक संकुल यौगिक में दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है, यानी कि प्रत्येक संकुल यौगिक जो है वो अपने पास दो तरह की संयोजकता रखता है। अब अगर वो दो तरह की संयोजकता रखता है तो प्रश्न उठता है कौन कौन सी। तो बच्चों जो सबसे पहली संयोजकता है हम उसको कहते हैं प्राथमिक, ठीक, और दूसरी वाली को कहते हैं द्वितीयक। ठीक है, तो बच्चों बहुत ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक संकुल यौगिक में दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है, जिनमें पहली को हमने नाम दिया प्राथमिक संयोजकता और दूसरी को हमने नाम दिया है द्वितीयक संयोजकता। हम प्राथमिक संयोजकता पर बात करेंगे और समझेंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिए, प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता। बच्चों बहुत अच्छे से समझिए प्राथमिक संयोजकता के बारे में, संकुल यौगिक में स्वतंत्र धातु एवं आयन मंडल, स्वतंत्र धातु एवं आयन मंडल के बीच बनने वाली संयोजकता को हम क्या कहते हैं, ठीक है, स्वतंत्र धातु एवं आयन मंडल के बीच बनने वाली संयोजकता को हम कहते हैं बच्चों प्राथमिक संयोजकता। ठीक है, ये प्राथमिक संयोजकता है। थोड़ा सा इसको आपको समझाना चाहूंगा। देखिए बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया K4Fe CN होल नंबर ऑफ 6। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर पोटेशियम ये स्वतंत्र धातु है और ये पूरा ब्रैकेट देख रहे हो ना, ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज है ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है आयन मंडल को, है ना। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बोला कि स्वतंत्र धातु एवं आयन मंडल के बीच बनने वाली जो संयोजकता है ना उसको हम क्या कह रहे हैं, प्राथमिक संयोजकता। इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्र धातु और इस आयन मंडल के बीच यहां पर जो संयोजकता आपको प्राप्त होगी ये हमारी प्राथमिक संयोजकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा उसको समझिए, निकालने का तरीका, हम क्या करेंगे बच्चों इस कंपाउंड को आयनाइज कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो कुछ इस तरह से दिखेगी, FeCN होल नंबर ऑफ 6 और ब्रैकेट क्लोज, है ना। कितने पोटेशियम थे, 4 पोटेशियम है। बच्चों पोटेशियम का आवर्त सारणी में जो ऑक्सीकरण अंक होता है ना, या आप उसको उसकी संयोजकता कहते हैं, तो वो कितनी होती है, वो +1 होती है। कितने पोटेशियम है, 4, तो इस पूरे आयन मंडल के ऊपर आप -4 ऋणात्मक आवेश क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो बच्चों ये जो -4 इस संकुल यौगिक में आप देख पा रहे हो ना, ये उसकी
देखिएगा, मैंने आपको प्राथमिक संयोजकता के बारे में बताया, इसी प्रकार अब आपको द्वितीयक संयोजकता की जानकारी भी दूंगा। द्वितीयक संयोजकता, बच्चों समझेंगे कि द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, ध्यान दीजिए। प्रत्येक संकुल यौगिक में, प्रत्येक संकुल यौगिक में सीएमआई, ठीक है, याद होगा आपको मैंने बताया था केंद्रीय धातु आयन, ठीक है, एवं लिगेंड, ना केंद्रीय धातु आयन एवं लिगेंड, या इसको हमने क्या भी नाम दिया था, हमने नाम दिया था संलग्नी, ठीक है। तो सीएमआई और लिगेंड के बीच बनने वाली संयोजकता को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं द्वितीयक संयोजकता, ये कहलाती है द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। बच्चों यहां पर आपको एक उदाहरण भी देना चाहूंगा, एग्जाम्पल वही ले रहा हूं, ठीक है, जो इससे पहले वाले स्टेटमेंट में लिया है, मैंने वापस लिखा आपके सामने K4FeCN होल नंबर ऑफ 6, ठीक है। बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि जो Fe है वो CMI है और ये क्या है, लिगेंड है। तो हम देखेंगे कि CMI के साथ कितने लिगेंड कनेक्टेड है, कितने लिगेंड जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं बच्चों, 6 ना, 6 जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो 6 लिगेंड आप देख रहे हो ना जुड़े हुए हैं CMI के साथ, तो ये जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, ये नंबर क्या कहला रहा है, उसकी द्वितीयक संयोजकता कहला रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखिए कि द्वितीयक संयोजकता को हम कोऑर्डिनेशन संख्या के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या इसी को बच्चों आपकी पुस्तक में समन्वय संख्या के नाम से बोलकर भी उसको निरूपित किया हुआ है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया बच्चों, मैंने आपको पहला रूल बताया कि प्रत्येक संकुल यौगिक में दो प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती हैं, ठीक। अगले रूल पर चलूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा बच्चों। रूल नंबर टू कहता है कि प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता आयनित हो जाती है। बच्चों याद रखिए, प्राथमिक संयोजकता आयनित हो जाती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता, जबकि द्वितीयक संयोजकता को आयनित नहीं किया जा सकता, ठीक है। द्वितीयक संयोजकता को आयनित नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको अपने दिमाग में आप लोग सेट करिए और मेमोराइज रखिए। एग्जाम्पल इसके लिए भी ले लेता हूं बच्चों, मैंने आपको बोला K4Fe, ठीक है, CN होल नंबर 6। मैं आपको ये कहना चाह रहा बच्चों कि जब हम इस कंपाउंड को आयनीकृत करेंगे तो यहां से पोटेशियम और आयन मंडल को अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको K+4 और +FeCN नंबर 6 में क्या कर सकते हैं, आयनाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बोला है ना कि प्राथमिक संयोजकता को हम आयनित कर सकते हैं, वो आयनित हो जाती है। लेकिन बच्चों अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अब आप इसको तोड़कर आप यहां से Fe और 6CN को अलग कर लेंगे, ठीक है, और अगर कोई ऐसा कर देता है तो ये बिल्कुल असंभव चीज है, हम कभी भी CMI से लिगेंड को अलग नहीं कर सकते। ये हमारा दूसरा नियम था बच्चों। तृतीय नियम पर चलेंगे जल्दी से, इस टॉपिक को फिनिश कर लेते हैं। तृतीय नियम कहता है बच्चों कि जो प्राथमिक संयोजकता है, ठीक है, प्राथमिक संयोजकता, तो बच्चों प्राथमिक संयोजकता जो है इसको हम बिंदुकित रेखा से क्या करेंगे,
प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। जबकि द्वितीयक संयोजकता, जबकि द्वितीयक संयोजकता को ठोस तीर के चिन्ह द्वारा निरूपित करेंगे, ठीक है, द्वारा दर्शाते हैं। तो बच्चों इसके लिए भी एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मैं वही ले भी सकता हूं। तो कुछ एग्जांपल्स को हम इस तरह से लेंगे कि Fe, ठीक है, इसके साथ जब लिगेंड जोड़ेंगे बच्चों, तो इस तरह से हम 6 लिगेंडों को जोड़कर दिखाएंगे, इस तरह से सभी लिगेंड अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म CMI को देंगे, तो ये इसके साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले आपको द्वितीयक संयोजकता दिखाने की कोशिश की, जबकि बच्चों बिंदुकित रेखा है ना, मैंने आपको जैसा कि बताया बिंदुकित रेखा से हम किसको कनेक्ट करने वाले हैं, बिल्कुल पोटेशियम को कनेक्ट करने वाले, इस तरह से यहां पर जुड़ेगा के, यहां पर जुड़ेगा के, यहां पर जुड़ेगा के, और यहां पर भी जुड़ेगा के। तो बच्चों इस तरह से एग्जांपल जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता को भी लेकर चलेगा। आगे देखिए बच्चों, द्वितीयक रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर 4 आपके सामने लेके आ रहा हूं। रूल नंबर 4 क्या था बच्चों, कि प्रत्येक संकुल यौगिक की प्रत्येक संकुल यौगिक की द्वितीयक संयोजकता त्रिविम्ब में एक निश्चित त्रिविम्ब में उसकी एक निश्चित क्या होती है बच्चों, ज्यामिति संरचना रखती है। बच्चों बहुत अच्छे से ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रत्येक संकुल यौगिक की जो द्वितीयक संयोजकता है ना, वो त्रिविम्ब में उसकी एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है। यानी कि बच्चों ऐसे संकुल यौगिक, उदाहरण समझिए बच्चों, ऐसे संकुल यौगिक जिनकी समन्वय संख्या ना, या जिनकी द्वितीयक संयोजकता, आप ऐसा समझ लें, जिनकी समन्वय संख्या द्वितीयक संयोजकता 2 होगी, वो रेखीय ज्यामिति के होंगे, ठीक है। जिनकी बच्चों 4 होगी, उनमें 2 प्रकार की ज्यामिति मिलेगी, एक तो वो वर्ग समतली होंगे, ठीक है, वर्ग समतली होंगे, दूसरा वो चतुष्फलकी हो सकते हैं। बच्चों जिनकी समन्वय संख्या 6 होगी वो अष्टफलकी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखे, आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझकर याद रख सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको वर्नर के सिद्धांत के बारे में उसके कुछ अभिग्रहितों से आज आपको रूबरू किया। बच्चों इससे जो प्रश्न निकलकर आपके सामने आएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता में लगातार पिछली कुछ वर्षों में अंतर पूछा गया है, तो आप इससे अंतर को निकाल कर भी इसका अध्यापन करिए। और हम बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।